videos in the in my playlist, that is my study concept channel. Hello Cash ji, चलिए start करते हैं. Do not take any more time. ये आ गई पहली स्लाइड आपके लिए. चलिए, भोपाल जिला, भोपाल डिस्ट्रिक्ट, इस द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. विशाल गोयल जी, हेलो विजय जी. चलिए, भोपाल जिले को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है. भोपाल इट्स अ कैप इट्स अ लेक लेक सिटी ऑफ भोपाल. जी राहुल जी ने बताया है भोपाल की जनसंख्या के बारे में, 23,71,061. ओके, चलिए ये भी पॉइंट हम अभी कवर करेंगे. डू नॉट नीड टू वरी अबाउट इट. भोपाल जिले को झीलों की नगरी के उपनाम से जाना जाता है और ये प्रदेश की राजधानी है. ये छोटा सा मानचित्र में देखा जाए तो ये छोटा सा हिस्सा आपको दिख रहा होगा, इससे भोपाल, इससे कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश. और इसके भोपाल एक जिला भी है और भोपाल एक संभाग भी है. और भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं, ठीक है ना. इसके आजू बाजू के जो जिले हैं वो भी हम सर्किल से बता देते हैं आपको, ठीक है ना. भोपाल के बाजू का जो सीहोर जिला है, इसको थोड़ा सा डार्क कलर से लेते हैं. ये है सीहोर, ये भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है. और उसके बाद में रायसेन, ये भी भोपाल में आता है, ठीक है. और उसके बाद में ये विदिशा, दिस इज ऑल्सो इन भोपाल, ठीक है. और इसके बाद में कौन सा आता है, राजगढ़, ठीक है. तो ये 5 जिले मिलाकर भोपाल संभाग बना. राहुल अतुलकर जी बता रहे हैं 26 जनवरी 1972 को भोपाल जिला बनाया गया और ये सीहोर की तहसील था. बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, ठीक है. 26 जनवरी 1972 को, बिल्कुल सही है. चलिए अगला पॉइंट आ गया आपके सामने, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले का. 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ साथ भोपाल को प्रदेश की राजधानी बनाया गया था, ठीक है. 1956 में इसको, भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था. लेकिन उस समय ये सीहोर, जैसे कि अतुलकर जी बता रहे हैं, सीहोर जिले का एक एक तहसील हुआ करता था ये, ठीक है ना. लेकिन बाद में इसको अलग से जिला भी बनाया गया, जैसा कि बताया अतुलकर जी ने, 26 जनवरी 1972 को इसको सीहोर तहसील, सीहोर की तहसील से अलग करके इसको एक नया जिला बनाया गया. जी चिड़ी खो को, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मालवा का कश्मीर कहते हैं. चिड़ी खो एक झील है जो कि राजगढ़ में है, ठीक है ना. चिड़ी खो झील है. चलिए यह आ गया अगला पॉइंट आपके लिए, भोपाल जिला मुख्यालय भोपाल ही है. ये भोपाल की आपके सामने ये मैप है भोपाल का, ठीक है ना. और इसमें दो ही तहसील हैं, बैरसिया और हुजूर, ये दो तहसील हैं पूरी. भोपाल संभाग, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, भोपाल संभाग है और इसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं, स्वयं भोपाल और उसके अलावा 4 जिले और जो मैंने आपको बता चुका हूँ, रायसेन, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और स्वयं भोपाल. भोपाल का क्षेत्रफल, एरिया, भोपाल कितने एरिया में फैला हुआ है, 2,772 वर्ग किलोमीटर में, 2,772 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है. चलिए 6:6
सेक्स रेशो कितना है इसका? वो है 918,000 पर, 918 महिलाएं, 1,000 पुरुष पर, ये इसका सेक्स रेशो है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। जी अतुलकर जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जनघनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 855 पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन डेंसिटी है इस सिटी की, भोपाल की, 855। ठीक है, लिटरेसी रेट भोपाल का है 80%, 80.5% लिटरेसी रेट है भोपाल का, और यहां पर जो लिटरेसी रेट है महिलाओं की अधिक लिटरेसी रेट है। ठीक है ना, फीमेल लिटरेसी रेट यहां पर हायर है भोपाल में। तहसील में बता चुका हूं आपको, हुजूर और बैरसिया, ये दोनों तहसील है यहां पर भोपाल में। और डेवलपमेंट ब्लॉक भी बता देता हूं आपको, विकासखंड कौन कौन से हैं यहां पर। विकासखंड लगते हैं दो, फंदा और बैरसिया। ठीक है ना, दो विकासखंड हैं। ठीक है ना, फंदा ब्लॉक और बैरसिया ब्लॉक। चलिए भोपाल के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो भी देख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1972 को भोपाल को पृथक कर अलग से जिला बनाया गया, पूर्व में ये सीहोर जिले की तहसील था जैसा कि हमने पहले ही बताया और अतुलकर जी भी बता रहे हैं। ठीक है, 26 जनवरी 1972 को इसको सीहोर से इसको अलग किया गया था। पहले ये सीहोर की तहसील हुआ करता था, उसके बाद में इसको अलग से जिला बनाया गया। ठीक है ना, लेकिन 1956 में ही इसको एमपी की कैपिटल बना दिया गया था, एमपी की कैपिटल घोषित कर दिया गया था। लेकिन ये तब तक ये एमपी सीहोर की तहसील हुआ करता था और वहीं से इसको काम किया जाता था, बाद में इसको जिला बनाया गया। ये पॉइंट पुराना है, इसको अपन नहीं कवर करेंगे क्योंकि अभी जो प्रदेश का सबसे छोटा जिला है वो बदल गया है। इसका क्षेत्रफल बस याद रखिए आप, 7272 किलोमीटर, और प्रदेश का सबसे छोटा जिला अभी निवाड़ी बन गया है। ठीक है, निवाड़ी प्रदेश का सबसे छोटा जिला है। ठीक है, और ये गलत है, प्रदेश का सबसे छोटा जिला भोपाल नहीं रहा है। ठीक है ना, ये बहुत पुराने पॉइंट थे। चलिए ग्यारहवीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने इस नगरी को भोजपाल नाम से बसाया था। सबसे पहले भोपाल का जो नाम था वो भोजपाल था, और ग्यारहवीं शताब्दी में परमार वंश के राजा भोज ने इसको बसाया था। और जो बड़ा तालाब है इसे बिग लेक, जिसे कि बिग लेक कहते हैं भोपाल में, वो बड़ा तालाब जो है वो राजा भोज ने ही इसका निर्माण करवाया था 11वीं शताब्दी में। ठीक है, परमार वंश के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है ना, परमार वंश की राजधानी क्या थी? मध्य प्रदेश की धार से इन्होंने अपना शासन चालू किया था। ठीक है जी, के जी निवाड़ी टीकमगढ़ से अलग हुआ है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूं, भोपाल के बड़े तालाब का निर्माण परमार राजा भोज द्वारा करवाया गया, इससे पहले मैं आपको बता दिया ये मैंने। ठीक है ना, और 11वीं शताब्दी में ही परमार के वंश के राजा भोज ने इसका
निर्माण करवाया था। छोटा तालाब भी है यहाँ पर, एक छोटे तालाब का निर्माण नवाब हयात मोहम्मद के दरबार के मंत्री छोटे खान द्वारा 1774 में करवाया गया था। बड़े तालाब से लगा हुआ है, बीच में से एक रोड निकली हुई है और बड़े तालाब से बाजू से लगा हुआ ये छोटा तालाब है जिसका निर्माण, ठीक है ना, नवाब हयात मोहम्मद खान के दरबार के जो मंत्री थे छोटे खान, उनके द्वारा 1774 में करवाया था इसका निर्माण, ठीक है, छोटे तालाब का। और बड़े तालाब से ही इसमें पानी छोड़ा जाता था। बीच में से एक नहर गई थी, मान लीजिए ये बड़ा तालाब है और बीच में से एक रोड है, यहाँ किला था एक, ठीक है ना, पुराना किला, और वहाँ से एक नहर छोड़ के इस छोटे तालाब में पानी छोड़ा जाता था। पहले की जो वीडियो हैं उसमें यही कंटेंट है, इसी को मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, इससे रिवीजन क्लास ऑलरेडी आई हैव क्रिएटेड दैट वीडियोस, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं और वहाँ पर भी आप दोबारा से इसको देख सकते हैं। इसमें और भी ज़्यादा नए फैक्ट्स मैं साथ में जोड़ रहा हूँ, ठीक है, इसमें और भी नए फैक्ट जोड़ रहा हूँ जो नए फैक्ट्स अभी हाल में मिले हैं मेरे को। चलिए, भोपाल की मोती मस्जिद का निर्माण 1860 ईस्वी में सिकंदर जहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। भोपाल में जो मोती मस्जिद है, ठीक है ना, भोपाल की बहुत ही बड़ी मस्जिद है, इसको एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता है, ठीक है ना, इसका जो निर्माण है वो सिकंदर जहां बेगम ने करवाया था। सिकंदर जहां बेगम का घरेलू नाम जो है वो मोती बेगम था, ठीक है ना, घर में उनको मोती मोती बेगम था, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पर इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद पड़ा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सिकंदर जहां बेगम ने 1860 में इसका निर्माण करवाया था और उनका घर का नाम था मोती बेगम, तो उसी के नाम पर इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद पड़ा था। अगला पॉइंट देखते हैं, ये आ गया अगला पॉइंट, भोपाल जिले के चौक बाजार में स्थित जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण 1837 में कुड़सिया बेगम द्वारा करवाया गया था। ये नाम ध्यान रखिएगा, कुड़सिया बेगम द्वारा इस जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था 1837 में। सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद है और छोटी मस्जिद ढाई सीढ़ी की मस्जिद जामा मस्जिद है। अच्छा, हाँ, ताजुल मस्जिद, हाँ, दोनों में कन्फ्यूजन है, बिल्कुल सही है, ताजुल या मोती में से कोई एक है, तो ताजुल मस्जिद अतुलकर जी बता रहे हैं सबसे बड़ी मस्जिद, हाँ हाँ, ताजुल मस्जिद, सही कहा आपने, आगे आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बिल्कुल, मोती मस्जिद भी है यहाँ पर और ताजुल भी है। भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की थी, यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय है यहाँ पर 2013 में, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनजातीय संग्रहालय है भोपाल में।
राज्य संग्रहालय भी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1909 में की थी। बाद में इस संग्रहालय को 2005 में श्यामला हिल्स पर स्थानांतरित कर दिया गया। श्यामला हिल्स है भोपाल पे, और वहाँ पर इसको स्थानांतरित किया। इसकी स्थापना की थी 1909 में राज्य संग्रहालय का, ठीक है ना। और ये राज्य संग्रहालय जनजाति संग्रहालय के बाजू में ही स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की भी भोपाल में है, बिल्कुल सही है। प्रदेश का पहला आईटी पार्क भोपाल में ही आया था, इसकी स्थापना की गई थी भोपाल में, ठीक है ना। प्रदेश का पहला आईटी पार्क की स्थापना भोपाल में ही की गई थी। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय वन प्रबंधन संस्थान और राष्ट्रीय विधि संस्थान, ये दोनों भी भोपाल में स्थित हैं, ठीक है ना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और नेशनल लॉ एकेडमी, ये दोनों भोपाल में स्थित हैं, ठीक है। भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 को गैस दुर्घटना हुई थी। भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी उसके बारे में है ये। इस दुर्घटना में यूनियन कार्बाइड कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसने से वजह से कितने हजारों लोगों की मौत हो गई थी, और बची हुई गैस समाप्त करने के लिए सरकार ने ऑपरेशन फेथ चलाया था, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, 1984 में गैस ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, और वो हुई थी यूनियन कार्बाइड जो प्लांट था वहां पर, और उस प्लांट में जो जहरीली गैस थी वो कौन सी थी, मिक, जिसको मिक बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीली थी, जिससे कि हजारों लोगों की मौत हुई थी। हजारों क्या, लाखों की संख्या में थी, वो तो हजार बताई गई है। और सरकार इसको ऑपरेशन फेथ के रूप में चलाया था, जब बची हुई गैस को इसमें रिलीज की थी, ठीक है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम भोपाल, और मेरे सामने ही ये घटना घटी थी, ठीक है ना। मैं छोटा था उस टाइम पे, मैंने सर्वाइव किया इस गैस ट्रेजेडी को, ठीक है, आपको बताना चाहता हूँ। ऑपरेशन फेथ के नाम पे चलाया था। अतुलकर जी, बहुत लोग मारे गए थे, 15,000 तो कम बताए हैं। भोपाल प्रदेश व देश में चौथा विश्व व्यापार केंद्र है, ठीक है ना। भोपाल प्रदेश और देश का चौथा विश्व का व्यापार केंद्र बना हुआ है। देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान, ये भी भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। आपदा, इसको ध्यान रखिएगा, आपदा प्रबंधन संस्थान, वो भी देश का पहला है। भोपाल प्रदेश की सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहाँ पे जो पूरे ऑल ओवर एमपी में, मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो भोपाल की है, 855 पर स्क्वायर किलोमीटर की डेंसिटी है। यहाँ पर बहुत ही छोटे हिस्से में बसा हुआ है, कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, ठीक है। तो छोटा क्षेत्र है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ही सघन बसा हुआ है। 1 किलोमीटर में 855 लोग रहते हैं यहाँ पर। वन विहार नाम से यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है भोपाल में, ठीक है। अगर आपने देखा है यहाँ पर एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान है ये, ठीक है ना, जिसको कि आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में मान्यता मिली है। आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में इसको मान्यता दी गई है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में की गई थी, और ये
4.5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 4.45 वर्ग किलोमीटर में ही यह फैला हुआ है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, आधुनिक चिड़ियाघर के रूप में ये माना जाता है और एक अनोखा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, अभी अतुलकर जी बता रहे थे, जो कि देश का पहला राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है ये, ठीक है, देश का पहला राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। सन 1960 में ब्रिटेन की मदद से प्रदेश की राजधानी में भोपाल में बिजली की भारी सामान बनाने का कारखाना स्थापित किया गया था। 1960 में ग्रेट ब्रिटेन की मदद से BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, BHEL, इसका कारखाना यहां पर स्थापित किया गया था सन 1960 में, ठीक है। हेलो अजय जी, अब देख लेते हैं भोपाल के जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं कौन कौन से हैं। बड़ा तालाब मैं आपको बता चुका हूँ, छोटा तालाब है यहाँ पर, गोहर महल, भारत भवन, शौर्य स्मारक जो अभी हाल ही में बना है, ठीक है, और वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान, विधानसभा भवन, इससे कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, दसवा है विधानसभा यहाँ पर है, पुराने भोपाल के जो महल हैं वो भी हैं, मानव संग्रहालय, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। अब जो अन्य पॉइंट्स हैं उनको अपन देखते हैं जिनको कि मैंने इसमें कवर नहीं किया है, उसके बारे में भी हम अब चर्चा करते हैं, ठीक है। इसरो का उपग्रह केंद्र भोपाल में है। जो उपग्रह है, उपग्रह जब छोड़े जाते हैं, ठीक है ना, उसको पूरे तरीके से इन्विजिलेट, ठीक है ना, यहीं से उसको सैटेलाइट को चेक किया जाता है वो प्रॉपर अपनी कक्षा में पहुंचा है कि नहीं, उसका उपग्रह केंद्र भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि सर्वाधिक महिला साक्षरता कहां पर है, भोपाल में ही है। कितनी है, सबसे अधिक सर्वाधिक है यहां पर, पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो भोपाल ही ऐसा जिला है यहां पे महिला साक्षरता सबसे अधिक है, 76.6%, ठीक है, क्लियर है। चलिए, औद्योगिक विकास निगम की स्थापना मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना, इसकी स्थापना की गई थी 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इसकी स्थापना की गई थी 1965 में, ठीक है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कहां पर है, भोपाल में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐशबाग स्टेडियम जो कि हॉकी स्टेडियम है वो भी भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। अगला पॉइंट, पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र,
ये भी भोपाल में ही स्थित है, ठीक है। पुलिस यातायात प्रशिक्षण केंद्र भी भोपाल में ही स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत, एशिया की सबसे बड़ी जिला अदालत भी भोपाल में ही है। भोपाल में जो कोर्ट बना हुआ है वो एशिया का सबसे बड़ा सिविल कोर्ट है, ठीक है। पर्यटन स्थल में अन्य प्लेसेस भी मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। इसमें नवाब हसन सिद्दीकी का मकबरा, जो कि अतुलकर जी बता रहे थे अभी, इसको भी आप जोड़िएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। गौहर महल, ताजुल मस्जिद, ठीक है ना। ताजुल मस्जिद है जो कि भारत की सर्वाधिक बैठक क्षमता वाली ये मस्जिद है, ठीक है ना, जो कि ताजुल मस्जिद है। रेलवे की कोच फैक्ट्री, रेलवे की जो कोच फैक्ट्री है वो भी भोपाल में है। ये क्वेश्चन बनते हैं, कोच फैक्ट्री कहां पर है भोपाल, मध्य प्रदेश में, तो वो भोपाल में है, ठीक है। और हाई सेंसिटिव एनिमल डिसीजेज टेस्टिंग लेबोरेटरी, जिसको बोलते हैं HSA, HSADTL, हाई सेंसिटिव एनिमल डिजीजेस टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि भारत में सिर्फ एकमात्र है, वो भोपाल में स्थित है, ठीक है ना। आनंद नगर क्षेत्र में है ये, और यहीं पर अभी जो इतना बड़ा वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया में, कोरोना, तो उसकी भी टेस्टिंग यहीं पे की जाती है, और उसकी मेडिसिन्स के लिए भी काफी कुछ प्रयास इसी लेबोरेटरी में किए जा रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वन ऑफ द हाईएस्ट सेंसिटिव एनिमल डिजीजेस टेस्टिंग लेबोरेटरी, जो कि भारत में एकमात्र है और एशिया की सेकेंड ये लेबोरेटरी है, पूरे एशिया में सेकेंड नंबर पर आती है ये, ठीक है। आप सभी लोग अपना कमेंट जरूर देते जाएं और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें, और जो भी नए विद्यार्थी आ रहे हैं वो सब मेरे इस चैनल को, स्टडी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं तो बताएं मेरे को, कुछ आपको जानकारी आ रही हो। यूनिवर्सिटी के नाम पर यहाँ पर भोपाल में बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी है, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय है वो यहाँ पर है, ओपन यूनिवर्सिटी है राजा भोज ओपन यूनिवर्सिटी, और RGPV राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में बता चुका हूँ आपको, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, लॉ अकेडमी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट भोपाल, और इसके अलावा और भी कुछ हो तो आप मेरे साथ में चर्चा कर सकते हैं। प्लीज पुट योर कमेंट्स। भोपाल के बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है, इसके अलावा और भी कोई फैक्ट्स हो तो आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि अन्य लोग भी, अन्य जो विद्यार्थी हैं वो भी जान पाएंगे। हाँ अतुलकर जी, आप बताएं, एनीथिंग एल्स? हर्ष जी आप बताएं, हर्ष कुशवाहा? केश जी, विजय दुबे जी, आप एम्स 20 जनवरी 2003 में प्रारंभ हुआ। सांड प्रजनन केंद्र भदभदा में स्थित है, बिल्कुल सही है। सांड का जो प्रजनन केंद्र है वो भी भदभदा में स्थित है, सही कह रहे हैं अतुलकर जी। और कुछ?
जनसंख्या की वृद्धि की दर में भोपाल का जो स्थान है वो सेकंड नंबर पर है, ठीक है। जनसंख्या की जो वृद्धि दर है उसमें भोपाल सेकंड नंबर पे आता है और पहले नंबर पे आता है इंदौर, पहले नंबर पर इंदौर आता है और सेकंड नंबर पर भोपाल का नंबर है यहाँ पे कि जनसंख्या की वृद्धि दर नापी गई है। प्रदेश का पहला मॉडल ब्लड बैंक भोपाल हमीदिया चिकित्सालय में है। ओके, सो मेरे ख्याल से भोपाल के बारे में काफी कुछ फैक्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा और भी जो पॉइंट्स हैं आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं तो मैं उसके बारे में जानकारी दे सकता हूं। अतुलकर जी बता ही रहे हैं आपको सारे फैक्ट्स। हाँ जी जेवन जी बोले, अभी आए हैं आप? क्लास क्लोज हो चुकी है देवेन जी, भोपाल पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट से जाकर उसको देख लीजिएगा, कंप्लीट हो गया है भोपाल। और अगला जिला इसके बाद में हमें जो लेने वाला हूँ उसके बारे में जानकारी आपको यही कमेंट्स के माध्यम से दे दूंगा अभी, और साथ साथ कम्युनिटी सेक्शन में भी मैं डाल दूंगा। लगातार मैं डाल नहीं पा रहा हूँ लेकिन अब मैं कम्युनिटी सेक्शन में भी डालूंगा तो वहाँ से भी आप इन्फॉर्मेशन पूरी आपको मिलती रहेगी। टेक्निकल टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी भोपाल में है। ऑल दी आर फैक्ट्स, वेरी स्मॉल फैक्ट्स बट इम्पॉर्टेंट। जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बताए जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट जो है और अपनी नेशनल लॉ एकेडमी, ये सब यहीं पे है तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। आप मैं अपलोड कर दूंगा इस क्लास को, आप वहाँ से आप देख लीजिएगा पूरा, ठीक है देवेन जी। समय पे ध्यान रखा कीजिए, समय 12 बजे से है अपना, 12 बजे से हम चालू कर देते हैं, 12:05, 12:10 के आसपास चालू हो जाती है ये क्लास। छोटी सी क्लास होती है, सिर्फ एक जिले के बारे में अपन को चर्चा करनी होती है। सभी विद्यार्थी जाते हुए मेरे क्लास को लाइक करते हुए जाएं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं दुष्यंत कुमार, पांडुलिपि संग्रहालय भोपाल में ही है, बिरला म्यूजियम है भोपाल में, माधवराव सप्रे पत्रकारिता पत्रकारिता का जो स्कूल है वो भी यहीं पे है, ठीक है। राज्य संग्रहालय, दूरसंचार संग्रहालय, ये सब भोपाल में है अगर संग्रहालय की बात की जाए तो, ठीक है। जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान ये भी यहीं पर है भोपाल में, जेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भी भोपाल में ही है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भी भोपाल ही है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला अगर देखा जाए, नगरीय जनसंख्या के बारे में देखा जाए तो भोपाल सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है। मध्य प्रदेश की विधानसभा का भवन का नाम बदलकर इंदिरा गांधी विधानसभा भवन रखा गया है। राज्य का पहला CSE नागरिक संबंधित केंद्र यहीं पर है, उसके बारे में बताएं सर। CSE मतलब थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, चलिए जा बाकी के पॉइंट्स आप लोगों को मालूम है, डेफिनेटली यू कैन शेयर विथ ईच अदर। एक्चुअली इट्स अ लाइव क्लास, एवरीवन कैन शेयर देयर ओन व्यू अबाउट भोपाल डिस्ट्रिक्ट। सो ऑल ऑफ माय व्यूअर्स, ये क्लास को मैं यहीं वाइंड अप करता हूँ, अगली क्लास फिर मैं लेके आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद,
कल फिर आपसे सुबह मिलते हैं, सुबह 8 बजे से एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसमें कि मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चंस मैं लेके आता हूँ, तो सारे विद्यार्थी वहाँ पे भी आएँ, तो उसमें पूरी की पूरी मेडिवल हिस्ट्री की अभी सीरीज चल रही है, उसके बाद में फिर मेडिवल के बाद में फिर एशियंट हिस्ट्री पर भी लेके आऊँगा मैं, और मॉडर्न हिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है, 8 बजे से वो क्लास रहती है और 12 बजे से एमपीजी के कई जिले के ऊपर में मैं ये पूरा क्लास लेके आता हूँ। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगला जिला कौन सा होगा उसके बारे में अभी आपको कमेंट में बता दूंगा और साथ में कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल दूंगा। तो सभी विद्यार्थी लगातार जुड़े रहें और मेरी वीडियो को लाइक करते हुए जाएं। थैंक यू सो मच।